हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। टेड ह्यूज की द हॉर्सेस ये बहुत ही फेमस पोएम है, जिसके अंदर टेड ह्यूज ने कोशिश की है एक पुरानी याद को फिर से एक बार याद करने की। वो दृश्य है जहाँ पे उन्होंने हॉर्सेस या जो घोड़े होते हैं उनको एक सुबह सुबह के एटमॉस्फेयर में देखा था, और वो इमेज उनके दिमाग में सालों तक छपी हुई, तो उसी को उन्होंने एक पोएम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। तो चलो इस पोएम का लाइन बाय लाइन मीनिंग देखते हैं और समझते हैं कि पोएट आखिर क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट लाइन के अंदर ही पोएट कहते हैं, आई क्लाइम थ्रू वुड्स इन द आवर बिफोर डॉन डार्क। अब यहाँ पे जो पहला वर्ड है इस पोएम का वो है आय। तो ये जो पूरा वाक्य है, ये जो पूरा सिचुएशन है वो फर्स्ट पर्सन में है। वो अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे बता रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि वो जो ऊँट होते हैं, जो खेत खलिहान होते हैं, उनके थ्रू वो क्लाइंब करके गए। मतलब क्लाइंब करके गए मतलब वो किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं या किसी तो भी ऊंची ढलान के ऊपर वो चढ़ रहे हैं। वुड्स के थ्रू यानी कि पेड़ों के थ्रू वो ऊपर ऊपर जा रहे हैं। और वो वक्त कौन सा है, आवर बिफोर डॉन, मतलब सुबह होने का या भोर होने के लिए अभी एक घंटे का समय है। तो आप मान लो कि अगर सुबह 6 बजे सूरज उगता है तो वो 5 बजे निकले हैं अंधेरे में ही किसी ऊंची जगह की ओर जाने के लिए, और उस वक्त का एटमॉस्फेयर वो यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, इविल एयर अ फ्रोस्ट मेकिंग स्टिलनेस नॉट अ लीफ नॉट अ बर्ड। और वो कह रहे हैं कि उस वक्त की जो एयर है, जो हवा है, वो इविल है। इविल मतलब बहुत ही भयानक। तो यहाँ पे वो एयर को या हवा को पर्सोनिफाई कर रहे हैं। वैसे हवा कोई इंसान नहीं है, राइट? तो हम उसको कोई गुण या अवगुण नहीं दे सकते, लेकिन अगर हम उनको कोई गुण दे रहे हैं, इंसानी स्वभाव अगर हम उनका बता रहे हैं, तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे वो हवा को पर्सोनिफाई कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हवा बहुत ही क्रूर है, और साथ ही साथ बोल रहे हैं कि उसी की वजह से क्या हो रहा है, जो फ्रॉस्ट हो गया है वहाँ पे, जो बर्फ जम गया है, वो सब कुछ स्टिल बना रहे। स्टिलनेस मतलब सब कुछ एकदम, कुछ हिल नहीं रहा है, सब कुछ एकदम शांत है, जैसे सब कुछ अमूर्त है, निर्जीव है, इस तरह से सब कुछ स्टिल दिख रहा है, और एक पत्ता तक, एक लीफ तक नहीं हिल रहा है, और एक बर्ड तक, एक पंछी तक वहाँ पे नहीं आवाजें कर रहा है। मतलब पूरा सन्नाटा है उस वक्त, सुबह एक सुबह जब अंधेरा भी है। वर्ल्ड कास्ट इन फ्रॉस्ट, और वो कह रहे हैं कि वो जो पूरी दुनिया है उसके आसपास जो भी है वो सब कुछ कास्ट हो गया है। कास्ट हो गया मतलब उसके ऊपर से बर्फ जम गया है, और सब कुछ कास्ट किए जैसा लग रहा है, जैसे बर्फ में ही सब कुछ ढल गया है। अब वो कह रहे हैं, आई केम आउट अबाउट द वुड वेयर माई ब्रेथ लेफ्ट टॉर्चियस स्टैचूज इन द आयरन लाइट। अब वो कह रहे हैं कि अब वो क्या हो गया, वो आउट अबाउ द वुड मतलब अभी ये जो सारे पेड़ वगैरह हैं, इन पेड़ों से वो अभी ऊपर बढ़ गए। ऊपर बढ़ गए मतलब उन्हें जहाँ पे पहुँचना था, मान लीजिए किसी पर्वत पे चढ़ना था या किसी ऊंची ढलान पे उनको चढ़ना था, उस ढलान पे अभी वो चढ़ गए, और अभी वो अबाउ द वुड्स मतलब अबाउ सारे खेतों के और सारे पेड़ों के अभी वो ऊपर चले गए हैं। और जब वो वहाँ पे गए तो उस जगह पे फिर उनकी जो ब्रेथ है, उनकी जो सांसें हैं, वो क्या छोड़ रही हैं, टॉर्चियस स्टैचूज। टॉर्चियस स्टैचूज मतलब ऐसे भिन्न भिन्न आकार के, टेढ़े मेढ़े आकार के स्टैचूज उनकी सांसों से बन रहे हैं आयरन लाइट में। उस वक्त की जो लाइट है, थोड़ी थोड़ी दिख रही है, धुंधली धुंधली, उस लाइट में, उस प्रकाश में उनकी सांसें भी बर्फ की तरह जम जा रही हैं, इस हद तक वहाँ पे ठंड है। बट द वैलीज वेयर ड्रेनिंग द डार्कनेस, और वो कह रहे हैं लेकिन जो वैली है वो क्या कर रही है, अभी धीरे धीरे डार्कनेस को ड्रेन कर रही है। ड्रेन कर रही है मतलब मान लो किसी एक ग्लास में से पानी अगर नीचे नीचे गिर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रेन हो रहा है। तो वो बोल रहे हैं जो वैली है, उनके सामने जो पूरा पहाड़ वाला वातावरण है, वो क्या हो रहा है, ड्रेन कर रहा है डार्कनेस को। मतलब डार्कनेस कम कम होते जा रहा है, और धीरे धीरे लाइट एकदम धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। टिल द मूर लाइन ब्लैकनिंग ड्रेग्स ऑफ द ब्राइटनिंग ग्रे हाउड द स्काई अहेड, और ये धीरे धीरे हो रहा है कब तक, टिल उस वक्त तक जब तक मूर लाइन, जो मूर लाइन होता है मतलब अभी वो ऊंचाई पे है, तो इस ऊंचाई पे से जब वो देख पा रहे हैं तो वो क्या देख रहे हैं, उनके सामने जो
खेत खलियान है, जो बंजर जमीन है, उसकी जो मूरलाइन है, उसकी जो आउटलाइन है, वो अभी क्या हो रही है, ब्लैकन हो रही है धीरे धीरे। अभी ये मूरलाइन उनको इस यहाँ से दूर से, मान लो यहाँ से सूरज अगर उग रहा है तो उनको ये मूरलाइन दिख रही है यहाँ से, और धीरे धीरे जो उसका आखिरी बचा हुआ है डार्कनेस का, वो उसे हम ड्रेग्स बोल रहे हैं। किसी भी चीज़ का आखिरी जो बचा हुआ होता है उसे ड्रेग्स बोलते हैं। तो डार्कनेस के अभी ड्रेग्स बचे, थोड़ा थोड़ा ब्राइटनिंग ग्रे कलर अभी एटमॉस्फेयर में आ रहा है। ग्रे कलर होता है ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन, तो अभी पूरी तरह से अंधेरा नहीं है, उस अंधेरे के अंदर थोड़ा ब्राइटनेस या थोड़ी लाइट भी मिक्स हो गई है। और अब आगे जब हम देखते हैं तो जो स्काई है, इस तरह से स्काई है, वो अभी थोड़ा थोड़ा ऊपर की साइड में सफ़ेद दिख रहा है और नीचे ब्लैक दिख रहा है। एंड आई सॉ द हॉर्सेस, और उस टाइम पे उस वातावरण में उन्होंने हॉर्सेस देखे, घोड़े देखे, ह्यूज इन द डेंस ग्रे टेन टुगेदर मेगालिथ-still, और वो कह रहे हैं कि ह्यूज इन द डेंस ग्रे, उस वक्त का जो एटमॉस्फेयर था वो क्या था, डेंस ग्रे कलर था उस वक्त, और वो जो घोड़े थे वो ह्यूज दिख रहे हैं, मतलब साइज में विशाल दिख रहे हैं वो, और पूरे के पूरे 10 घोड़े थे उस वक्त, और उन्हें देख के ऐसे लग रहा है जैसे वो मेगालिथ-still है। मेगालिथ मतलब पत्थरों के, पुराने ज़माने के जो पत्थरों के अवशेष होते हैं उन्हें मेगालिथ बोलते, तो उन्हें देख के ऐसे लग रहा है जैसे वो पत्थरों से बने हुए विशाल आकृतियाँ हैं। दे ब्रीद मेकिंग नो मूव, लेकिन वो जो घोड़े हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सांसें ले रहे हैं, ब्रीद कर रहे हैं, और कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल अचल है, एक ही जगह पे वो खड़े हैं। विथ ड्रेप्ड मेंस एंड टिल्टेड हिंड हूव्स मेकिंग नो साउंड, उनके जो मेंस होते हैं, घोड़े के मेन होना मतलब क्या होता है, इस तरह से मान लीजिए घोड़े का एक सिर है, तो यहाँ पे ये जो पिछला हिस्सा होता है जहाँ पे बाल होते हैं उसे मेन बोलते हैं, सिर और धड़ के बीच में जो हिस्सा होता है वहाँ पे बाल होते हैं उसे मेन कहते हैं। तो उस एरिया में जो मेन होते हैं उसको ड्रेप किया गया है, कवर किया गया है सेफ्टी के लिए। साथ ही साथ उनके जो हिंड हूव्स या पीछे के पैर हैं वो कुछ इस तरह से टिल्टेड होते हैं घोड़ों के पैर, तो वो जो उनके पीछे के पैर है वो क्या है, टिल्टेड है, और मेकिंग नो साउंड्स, और वो बिल्कुल भी कोई आवाज़ नहीं कर रहे हैं। आई पास, वो कह रहे हैं मैं वहाँ से आगे पास हो गया। नॉट वन स्नॉटेड और जग्ड हिज हेड, और वो कह रहे हैं कि नॉट, वो 10 के 10 सारे घोड़े थे उसमें से एक ने भी, नॉट वन, किसी ने भी स्नॉट नहीं किया, किसी ने भी आवाज़ें नहीं निकाली या फिर अपना सिर तक नहीं हिलाया ये देखने के लिए कि मेरे पास से कौन गुजर रहा है। ग्रे साइलेंट फ्रेगमेंट्स ऑफ अ ग्रे स्टिल वर्ल्ड, और उनको देख के उन्हें ऐसे लग रहा था कि ये जो घोड़े हैं वो ग्रे साइलेंट फ्रेगमेंट्स है, ग्रे कलर के शांति भरे हिस्से हैं ये, ग्रे कलर के शांति भरे वर्ल्ड के। आई लिसन इन एम्प्टीनेस ऑन द moor-ridge, और फिर वो क्या गए, वो ऊपर पहुंच गए जहाँ पे उन्हें पहुंचना था, उस मुकाम पे वो पहुंच गए, और आई लिसन बोल रहे हैं उन्होंने सुना, एम्प्टीनेस पूरा खालीपन उन्होंने सुना moor-ridge में, मतलब जो उनके आगे पूरे खेत खलिहान उनको ऊंचाई पे से दिख रहे थे वहाँ पे उनको पूरा साइलेंस वाला आवाज़ें सुनाई दे रही थी, मतलब उन्हें कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। द curlews tear turned its edge on the silence, और जब वो उतने ऊंचाई पे खड़े थे तो उन्हें वहाँ पे धीरे धीरे आवाज़ें सुनाई दे रही थी curlews। curlews एक पंछी होता है जिसकी चोंच एकदम ऐसी नुकीली होती है, तो उन्हें ये जो curlews है उसकी थोड़ी सी आवाज़ें उनको वहाँ पे सुनाई दे रही थी उस साइलेंस के अंदर। तो जब इस तरह से किसी पंछी की आवाज़ें आने लगती है तो ये संकेत होता है कि अभी थोड़ी देर बाद सूरज उगने वाला है। स्लोली डिटेल लिफ्ट फ्रॉम द डार्कनेस, अब वो कह रहे हैं कि धीरे से डिटेल्स निकलने लगी डार्कनेस में से, मतलब अभी उजाला आने लगा। देन द सन ऑरेंज रेड रेड एरप्टेड साइलेंटली, और फिर उसके बाद देन क्या हुआ, सूरज का कलर वो देख रहे हैं, पहले तो ऑरेंज कलर दिखा, जब सूरज सिर्फ आधा ही ऊपर आया हुआ होता है तो उसका कलर ऑरेंज कलर का दिखता है, वो पूरी तरह से लाल नहीं दिखता, लेकिन जब सूरज इस तरह से ऊपर आ जाता है तो उसका कलर हमें रेड दिखने लगता है, और यही सूरज जब वापस और ऊंचाई पे जाने लगता है, दिन जैसे जैसे बढ़ने लगता है तो और ज़्यादा रेड कलर दिखने लगता है। एंड स्प्लिटिंग टू इट्स कोर
tore and flung cloud shook the gulf open, showed blue and the big planets hanging. अब वो कह रहे हैं कि अब जब सूरज धीरे धीरे हॉरिजन पे से ऊपर आने लगा है तो ऐसे लगने लगा है जैसे वो क्या कर रहे हैं, जो क्लाउड्स है, जो बादल है, उनको वो फ्लंग ओपन कर रहा है, मतलब उन्हें फाड़ के, उन्हें चीर के वो ऊपर आ रहा है, उन्हें स्प्लिट करके जो क्लाउड्स है उनको दो टुकड़े करते हुए उसमें से सूरज ऊपर आ रहा है, ऐसे उनको प्रतीत हो रहा है। और उससे क्या हो रहा है, जो गल्फ है उनके सामने, जो छोटी सी खाड़ी है, जो नदी है, वो भी उसके साथ साथ ओपन होने लगी है। और जो कलर है आसमान में, अभी वो क्या होने लगा है, ब्लू कलर दिखने लगा है। पहले वहाँ पे ग्रे कलर दिख रहा था, अभी वहाँ पे ब्लू कलर दिखने लगा है क्योंकि सूरज अभी आसमान में आ चुका है। एंड द बिग प्लैनेट्स हैंगिंग, आई टर्न्ड स्टम्बलिंग इन अ फियर ऑफ ड्रीम। अब वो कह रहे हैं कि और फिर धीरे धीरे जो प्लैनेट है वो ऐसे लग रहा है जैसे सूरज के नीचे ये पूरा प्लैनेट, पूरी पृथ्वी सूरज के नीचे टंगी हुई है, हैंग कर रही है, ऐसे उनको वहाँ पे लग रहा है। और फिर वो कह रहे हैं आई टर्न स्टम्बलिंग इन अ फीवर ऑफ अ ड्रीम। और फिर वो कह रहे हैं कि वो वहाँ पे ऐसे खड़े थे जैसे उस वातावरण में उन्हें कोई फीवर आ गया है, उस एक क्षण के अंदर उन्हें ऐसे लग रहा था उस माहौल में कि उन्हें जैसे फीवर आ गया, उनके अंदर एक अजीब सी गर्माहट पैदा हो गई है क्योंकि उतना ब्यूटीफुल उन्हें एटमोसफेयर सामने दिख रहा था। डाउन टूवर्ड्स द डार्क वुड्स फ्रॉम द किंडलिंग टॉप्स एंड केम द हॉर्सेस। और फिर वो क्या करने लगे, डाउन जाने लगे, अभी वो ऊंचाई पे से वापस नीचे जाने लगे और फिर से एक बार डार्क वुड्स आ गए, मतलब फिर से एक बार जो बड़े बड़े पेड़ थे वो नीचे उतरते उन्हें फिर से एक बार मिले और वहीं पे उनको किंडलिंग टॉप्स, जो लकड़ियां है, वो गिरी हुई लकड़ियां भी उनको वहां पे दिखी। और फिर जब और वो नीचे आए तो उनको वहां पे फिर से एक बार हॉर्सेस दिखे। देयर स्टिल दे स्टूड बट नाउ स्टीमिंग एंड ग्लिस्टनिंग अंडर द फ्लो ऑफ लाइट। अब वो कह रहे हैं कि बट अब फिर से एक बार वो वहां पे खड़े हैं, लेकिन बट इस वक्त वो क्या कर रहे हैं, स्टीम कर रहे हैं, स्टीम कर रहे हैं मतलब घोड़े इस तरह से अगर खड़े थे तो अभी उनके शरीर में से स्टीम निकल रही है, भाप निकल रही है क्योंकि पहले उनके शरीर के ऊपर बर्फ जम गया था, अभी जैसे सनलाइट उसके ऊपर पड़ रही है तो अभी उसमें से भाप बन के उड़ रही है और साथ ही साथ उनके खुद के शरीर की गर्मी भी उस बर्फ को पिघला रही है और इस वजह से वो क्या हो रहे हैं, ग्लिसन हो रहे हैं, इस वजह से उनके ऊपर क्या है, चमक आ रही है। क्यों? क्योंकि फ्लो ऑफ लाइट, जो सूरज की किरणें हैं उसकी वजह से अभी वो जो घोड़े हैं वो पूरी तरह से चमक रहे हैं। देयर ड्रेप्ड स्टोन मेंस, देयर टिल्टेड हिंड-हूव्स स्टिरिंग अंडर अ थॉ व्हाइल ऑल अराउंड देम। अब वो कह रहे हैं कि उनके जो ड्रेप्ड मेंस थे वो फिर से एक बार देख रहे हैं और उनके जो हिंड-हूव्स, जो पीछे के पैर है वो टिल्ट हुए हुए, उन्हें वो फिर से एक बार देख रहे हैं और उन हूव्स के नीचे जो थॉ होता है, जो बर्फ होता है, वो धीरे धीरे अभी पिघलने लगा है, उनके आसपास में भी अभी बर्फ पिघलने लगा है। द फ्रॉस्ट शोड इट्स फायर, जो फ्रॉस्ट के अंदर, जो बर्फ के अंदर जो फायर है वो अभी बाहर आ रहे हैं, मतलब अभी वो पिघल रहा है। बट स्टिल दे मेड नो साउंड, लेकिन फिर भी इस मुक्त में भी जो घोड़े हैं वो कोई भी आवाज़ें नहीं निकाल रहे हैं। नॉट वन स्नॉटेड और स्टैम्प्ड, नॉट वन, उसमें से एक ने भी स्नॉट नहीं किया, आवाज़ें नहीं निकाली घोड़ों की, या फिर किसी ने पैर अपने नहीं पटके नीचे। देयर हंग हेड्स पेशेंट एज द हॉरिजन्स हाई ओवर वैलीज इन द रेड लेवलिंग रेज। और वो कह रहे उनके जो हेड, जो इस तरह से हंग हेड मतलब नीचे किए हुए जो उनके सिर थे वो पेशेंट थे, पेशेंट होना मतलब पूरी तरह से पेशेंट वातावरण में होना, मतलब बहुत ही अधिक लेवल पे पेशेंट होना, इसे हिंदी में क्या कहते हैं आप समझ लो, कि आपके मन के अंदर शांति होना और वो शांति इस तरह से थी जैसे हॉराइजन्स हो, हॉराइजन मतलब सूरज, जहाँ पे आकाश और ज़मीन दोनों एक दूसरे को मिलते हैं उस जगह को हॉराइजन कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उनके जो सिर है वो ऐसे लग रहे हैं जैसे हॉराइजन्स हो, मतलब हॉराइजन की तरह पेशेंस है, जिस तरह से हॉराइजन कभी हिलता नहीं है उसी तरह से इनका पेशेंस अडिग है और ऐसे लग रहा है कि वो हाई और वैलीज
इन द रेड ट्रेवलिंग डे। तो इसको फिर से अच्छे से इमेजिन करिए कि जब सूरज नीचे होता है, ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं गया होता है, तो उस वक्त क्या होता है, इवन छोटे छोटे हाइट के जो पेड़ होते हैं उनकी भी जो परछाई होती है बहुत लंबी पड़ती है। इस वजह से सब कुछ लेवलिंग लगने लगता है, सब कुछ एक ही हाइट का लगने लगता है। तो वो कह रहे कि इसी वजह से सब कुछ एक ही हाइट का लगने लगा है सूरज की लाइट में। इन डिन ऑफ द क्राउडेड स्ट्रीट्स, अब यहाँ पे वो प्रेजेंट स्टेट में आ गए। अभी इन डिन ऑफ द क्राउडेड स्ट्रीट्स, मतलब डिन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जोरों जोरों की आवाज़ें। तो वो कह रहे हैं जब भी कभी क्राउडेड स्ट्रीट्स पे, जब भी कभी रास्ते पे उन्हें बहुत ज़्यादा आवाज़ें सुनाई देती है, गोइंग अमंग द ईयर्स द फेसेस मे आई स्टिल मीट माई मेमोरी इन सो लोनली प्लेस। अभी वो कह रहे हैं कि जब वो इतने सालों से जब भी कभी वो क्राउडेड स्ट्रीट्स पे जाते हैं, अलग अलग चेहरे वो देखते हैं, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं मे आई स्टिल, तो वो यहाँ पे विश कर रहे हैं, फिर से एक बार वो अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि फिर से वो एक बार अपनी मेमोरी को मिले, मेमोरी मतलब इन घोड़ों की मेमोरी को फिर से एक बार मिले उसी तरह से लोनली प्लेस में, उसी तरह से शांति भरे माहौल में, क्योंकि अभी वो क्राउडेड प्लेस में है, अभी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हल्ला है, तो उनको वैसे प्लेस में घोड़ों को नहीं मिलना है, बल्कि शांति भरे वातावरण में उनको घोड़ों को मिलना है। बिटवीन द स्ट्रीम्स एंड द रेड क्लाउड्स, ऐसी जगह जहाँ पे स्ट्रीम्स हो, जहाँ पे नदी हो और लाल कलर के क्लाउड्स हो, ऐसी नेचुरल जगह पे, ऐसे नैसर्गिक जगह पे उनको फिर से एक बार घोड़ों को मिलना है, और फिर से एक बार उनको करलियूज जो होते हैं छोटे पंछी जिनकी इस तरह की नुकीली चोंच होती है, वो करलियूज उनको फिर से उनकी आवाज़ उनको सुननी है। हियरिंग द होराइजन्स एंड्योर, और फिर से एक बार उनको होराइजन्स को एंड्योर करते वक्त, क्या सहन करते वक्त सुनना है। इसका मतलब क्या है, जो सबसे लास्ट लाइन है यहाँ पे, हियरिंग का मतलब सुनना, होराइजन्स मतलब जहाँ पे ज़मीन आसमान एक दूसरे को मिलते हैं, और एंड्योर मतलब सहना। तो वो कह रहे हैं कि वो आवाज़ें जो घोड़ों ने कभी निकाली ही नहीं, उन्होंने पहले होराइजन के नाम से कंपेयर किया था घोड़ों को, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उनको फिर से एक बार घोड़ों की उस सहन शक्ति को सुनना है, सहन करने हुई आवाज़ों को सुनना है, जो उन्होंने कभी आवाज़ें निकाली ही नहीं, मतलब इस हद तक उनके अंदर सहन शक्ति थी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इस पोएम का मीनिंग अच्छे से समझ गए। अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट्स लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।